Hello students, my name is Jayashukta and I am your teacher in Iron Public School. This video lecture is for class 6 students and today is lecture 1. And I will suggest you that you should have a pen and paper or a copy, proper copy. You don't have to note down from video. You just have to understand what I am saying and you have to note down about your doubts, which you will ask to me whenever I will with you on WhatsApp. Okay, so I think your class will be on Tuesday from 1 p.m. to 2:30 p.m. Okay, I have noted down my copy. So from there, I will with you from 1 a.m. to 2:30 p.m. on Tuesday, where you can ask me the questions about your doubts, and I will also provide you some questions along with this video which you have to solve. Okay, so let's start. So this is me. Yeah, this is me. And this is my profile. So let's move on. So this video lecture is for class 6, as I told you earlier, for Army Public School, Prayagraj. Here I am using my bits and bytes video for book 6 for Army edition. And this book is provided by your school also. So you have to follow this book and go through with this book. Okay. The first chapter is Computer Fundamentals. Let's start. Okay, so this is your book which I talked about. So the first chapter is Fundamentals of Computer. Okay, so Fundamental of Computer. Yeah, cool, no? Okay, so let's start. What you have to study about? You have to study about computer. हमें computer के बारे में पढ़ना है. What is computer? Computer की definition क्या होती है? Benefits of using computer. How does computer work? Input devices, output devices, storage devices and processing devices. Okay, all good. So we have to study about these topics in this chapter. Okay, chapter number 1. Chapter number 1, Fundamentals of Computer. So let's start without wasting our time. It's your fundamental of computer. Okay, first of all about computer. देखो तुम सब लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हो. ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो ये कह दे कि सर हमको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता. ऐसा है क्या कोई? अगर कोई ऐसा है तो भैया कमेंट करके बताओ. अगर तुम्हें कंप्यूटर के बारे में नहीं पता तुम कैसे पढ़ रहे हो? हाँ ठीक है. ऐसे भी आजकल सब लोगों को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होती ही होती है. सो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप छोटे बच्चे हैं क्लास सिक्स के, लेकिन आपको भले ही उतनी अच्छे से नॉलेज नहीं होगी लेकिन फिर भी आप सब कंप्यूटर जानते होंगे. चलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ. जब भी मैं आपके वो कंप्यूटर बोलता हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में आपके कंप्यूटर की लैब के जो सिस्टम रखे होते हैं, सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम से ही तात्पर्य होता है. एक मिनट बेटा, जस्ट अ सेकेंड. हाँ ओके, एक्चुअली मैं स्टॉप वॉच सेट कर रहा था ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने अभी कितनी लंबी क्लास ली, पता चला लेक्चर बड़ा लंबा हो गया. ओके so where I was, yeah, about the computers. तो जब भी मैं आपसे कहता हूँ कि कंप्यूटर क्या होते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है? आपके माइंड में सबसे पहली बात जो आती है वो आपके आते हैं लैब में रखे हुए कंप्यूटर के सिस्टम्स, या आपने कहीं पे देखे होंगे जो सिस्टम, डेस्कटॉप के सिस्टम देखे होंगे या लैपटॉप देखे होंगे, वही चीज आपके माइंड में आती है. तो आप एकदम सही सोच रहे हो बेटा, वही कंप्यूटर्स होते हैं. लेकिन हमें यहाँ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है? या यू नो व्हाट इज कंप्यूटर, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट कंप्यूटर. हमें कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें जानना है कि कैसे काम करते हैं, उनका क्या यूज है हमारी लाइफ में, क्या हमें इसके साथ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. हाँ, बहुत सी चीजें होती हैं तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट टॉपिक इज योर कंप्यूटर, अबाउट कंप्यूटर. ओके, सो इन द टुडे एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिवॉल्यूशन, एज यू नो कि अब इस समय इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन है, कंप्यूटर क्या हो चुका है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का, यानी कि हम बिना कंप्यूटर के कहीं पर भी कुछ भी सोच नहीं सकते. बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल नहीं सोच सकते. अगर आज आप वीडियो लेक्चर देख पा रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर इन्वॉल्व हुआ है. जिस तरीके से इसके एक इंटीग्रल पार्ट हो चुका है, ओके, कि हम इसको बिना यूज किए अपनी लाइफ नहीं कर सकते. ये हमारे हर एक स्टेप में, लाइफ के हर एक स्टेप में आ चुका है, इन्वॉल्व हो चुका है. चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारा वर्क प्लेस हो, चाहे हमारा स्कूल हो, वो हमें हर जगह कंप्यूटर देखने को मिलता है, ठीक है? जिसे मोस्ट ऑफ द डेली एक्टिविटीज
activities either involve the use of computer or depends upon the information derived from computer. ओके या तो हम कंप्यूटर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड कर जाते हैं, अगर नहीं डिपेंड करते तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो हमें नॉलेज मिल रही है, वो नॉलेज कहाँ से मिल रही है? हमें कंप्यूटर के थ्रू ही नॉलेज मिल रही है. ओके आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज विद अ कंप्यूटर एट होम यू कैन चेक योर बैंक अकाउंट. ऑब्वियसली यू कैन चेक योर बैंक अकाउंट, pay bills, transfer funds, pay or send product and lots of more thing, grocery and purchase everything. Okay, as you know, amazon.in, from Amazon you can buy any kind of things by your home. So bank accounts, आप अपने bank account check कर सकते हैं, आप अपने bill को pay कर सकते हैं, funds transfer कर सकते हैं, कुछ चीज खरीद रहे हैं जिसका पैसा pay कर सकते हैं, हाँ, और आप अपने ही प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं. इफ यू हैव समथिंग टू सेल, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ बिजनेस, देन यू कैन सेल योर बिजनेस ऑनलाइन. ओके ये सब काम आप कर सकते हैं. अब स्कूलों में और घर में क्या यूज होता है? कई सारे स्कूल और कॉलेज और घर में क्या होता है, कंप्यूटर एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज किया जाते हैं, पढ़ाने के लिए या फिर पढ़ने के लिए यूज किए जाते हैं. स्टूडेंट अपने असाइनमेंट को रिसर्च करके कंप्लीट करते हैं इन कंप्यूटर लैब में. मीन्स डैट जो आप लोगों के साथ वो होता है, मतलब जो आप लोगों को असाइनमेंट मिलते हैं, जो जनरली आप करते हो असाइनमेंट, आप कैसे करते हो असाइनमेंट? आप करते हो क्योंकि आप उसका वो कंप्यूटर में जाते हो, आप गूगल खोलते हो, गूगल में जाके आपने सर्च कर लिया, तो आप उसके लिए क्या कर लेते हो, रिसर्च कर लेते हो का मतलब क्या है कि आपको उसके बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि हमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना. ओके और क्या होता है यार, मच्छर बड़े हैं यार मेरे रूम में. चलो कंप्यूटर हैव बिकम अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट का भी सोर्स है कि हाँ भाई मूवी देख लेते हैं हम लोग, गेम खेल लेते हैं, पबजी खेलते हैं. हाँ यू कैन प्ले गेम्स, हम गेम खेल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, हम वीडियो देख सकते हैं, हम मूवी देख सकते हैं, हम एक बुक को भी रीड कर सकते हैं, एज वेल एज हम एक वीडियो बना भी सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं, एक फोटोग्राफ बना सकते हैं, और फिर हम कई सारा काम कर सकते हैं जैसे कि प्लानिंग ऑफ अ वेकेशन एंड डू मैनी मोर थिंग्स. ओके इट्स वेरी क्लियर टू यू कि आप क्या क्या कर सकते हो. आप मूवी देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, गाने सुन सकते हो, मैगजीन पढ़ सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो, फोटोग्राफ एडिट कर सकते हो, आप अपना प्लान बना सकते हो, आप डेली के टास्क बना सकते हो, आप अपना रिमाइंडर लगा सकते हो, आप अपने अलार्म लगा सकते हो. ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू हियर. यू कैन राइट योर ओन डायरी, यू कैन राइट योर ओन थॉट्स, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू. इफ आई एम सोशल मीडिया, फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड ट्विटर, you can also connect to the world with your own ideas. Okay, so where this is a place where you share your ideas. Okay, people use computer. Let me change this. Okay, pink. People use computer as a source of communication. Obviously, it's a source of communication, so that it transmit voice, sound, वीडियो एंड ग्राफिक्स. ओके तो आप क्या कर सकते हो उसमें, साउंड, वीडियो, ग्राफिक्स को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो. जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप यूट्यूब में क्या कर रहे हो, एक वीडियो को ही तो आप एक वीडियो को ही तो देख रहे हो. ये वीडियो क्या हो रही है, वीडियो ट्रांसमिट हो रही है, यानी हमारे से आप तक क्या हो रही है, एक तरीके से फैल रही है, आपके पास जा रही है. To be successful in digital world, it is become essential that you must be computer literate. आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी ही चाहिए. बात बहुत अच्छी बात है. आज के समय में इसको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है वो बहुत परेशान है बेटा. आपके घर में भी कई लोग होंगे इसको नॉलेज नहीं होगी, तो वो लोग आपके ऊपर रिलाई करते होंगे कि बेटा देखो मेरे मोबाइल में ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो आप उनको बताते होंगे. अगर आप नहीं तो आपके बड़े भाई होंगे जो आपको बताते होंगे, या बड़ी बहनें होंगी जो आपको बताती होंगी. ओके means you have the knowledge and understanding of computer and their uses. Okay, so let me just tell you, no, you guys will tell me on in comment. आप लोग को comment करके बताना है कि कौन से devices यहाँ पर हैं, जैसे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये device कौन सी है, ये क्या है, ये क्या है, okay, ये क्या है, कौन सी machine है, ये तो पता ही है, ये भी आपको पता है. ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है.
एंड फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्या है, देखते हैं आप लोग कितना बता पाते हैं. ओके लेट्स सी. नाउ इट वॉज अबाउट कंप्यूटर. वॉट इट वॉज अबाउट कंप्यूटर. नाउ वी हैव टू नो वॉट इज कंप्यूटर. ओके सो लेट्स स्टार्ट. वॉट इज कंप्यूटर. A computer is an electronic machine that works under instructions given by you. It can accept data as an input, manipulate the data according to the specific rules, that is called process, and produce results as output, and save it to storage the result for the further use. मतलब क्या करता है? Obviously computer क्या होता है? एक electronic machine होती है. Electronic machine क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि ये किससे चलती है? ये चलती है आपके electronics यानी इलेक्ट्रिकल मशीन. ये इलेक्ट्रिक से चलती है ना, बिजली से चलती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. सो ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहलाती है. ये क्या करता है? सबसे पहले ये क्या करता है कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उसको क्या करता है? मैनिपुलेट करता है या उसके ऊपर वर्क करता है. सबसे पहले क्या करता है? डाटा को एक्सेप्ट करता है. इट मीन्स है कि डाटा को इनपुट लेता है, उसके बाद उस डाटा को मैनिपुलेट यानी उसके ऊपर वर्क करता है. एंड अकॉर्डिंग टू द डाटा एंड स्पेसिफिक रूल, जो उसके रूल्स होंगे, जो उसके डाटा आपको प्रोवाइड कराओगे और जो उसके अंदर रूल आप स्टोर करके रखोगे, उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा? ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा आउटपुट, और क्या करेगा? स्टोरेज में उसके आउटपुट को सेव कर देगा. अरे चलो मैं और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ. चलो 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 कोई गेम खेलते हैं. कोई गेम खेलते हैं. पबजी सबने खेला है? सबने खेला है? जल्दी बताओ सबने पबजी खेला है? हम ये मान के चलते हैं सबने पबजी खेला है. तो पबजी में होता क्या है? जब आप पबजी को स्टार्ट करते हो तो उसमें आपके सामने एक फायर का बटन आता है, एक जूम का बटन आता है, इस तरह के बटन आते हैं. तो उसमें क्या है? उसमें बता रखा है कि अगर आपने इनपुट में क्या दिया, अगर आपने इनपुट में दिया क्या? फायर. इनपुट में क्या दिया बेटा आपने? फायर, एफ आई आर ई. आपने इनपुट में क्या दिया? फायर दिया. तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है? उसके पास कुछ स्पेसिफिक रूल्स होंगे. क्या होंगे बेटा? स्पेसिफिक रूल्स होंगे. उसे रिजल्ट क्या दिखाएगा? कि आपका जो प्लेयर है, जो आपका प्लेयर है ये क्या कर रहा है? आपको दिखाएगा स्क्रीन पे कि ये फायरिंग कर रहा है. दिखाता है ना बेटा? फायरिंग कर रहा है. ओके इस तरीके से ये आपका वर्क करता है. इनपुट आउटपुट एंड देन दीज थिंग्स. या ओके आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर, वेरी क्लियर. ओके सो व्हाटएवर आई एम हाईलाइटिंग इज द कीवर्ड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक. Computer contains many electric, electronic and mechanical component known as hardware. तो उसके जो computer के component होते हैं, जो कि electric होते हैं, electronic component होते हैं. और electric और electronic में क्या अंतर होता है? देखो electric मतलब कि semiconductor type आप समझ सकते हो, और electronic होता है जो कि आपके normal हम लोग switch वगैरह पढ़ते हैं जो हमारे घर में use होते हैं. जब आप टीवी को कभी आपने खोला होगा या किसी मोबाइल वगैरह खोला होगा तो वहाँ पे एक ऐसा आपको ग्रीन ग्रीन सा मिलता है, ऐसे करके एक चौकोर सा आपको मिलेगा ग्रीन कलर का. ये पूरा फील्ड होता है ग्रीन से, जिसमें से छोटे 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 छोटी चीज़ें लगी होती हैं, जिसको आप कई बार देखते हो कि सिलेंडर के आकार का होता है, वो सिलेंडर शेप का होता है. सो ये क्या होता है? यही आपका सेमी कंडक्टर होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप एंड इलेक्ट्रिक शॉप. आप वहाँ जाते हो जहाँ टीवी की शॉप होती है, तो आप टीवी वाले के यहाँ अगर टीवी की जो रिपेयर करता है, अगर आप उसके अपनी वो लेके चले जाओगे, क्या कहते हैं, घर का और एप्लीकेशन लेके चले जाओगे, तो उसको मना कर देगा. आप कहोगे कि भैया हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, आके देख लेना, तो कहेगा कि भैया हम इलेक्ट्रॉनिक पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक काम नहीं करते. मतलब क्या? ये जो इलेक्ट्रॉनिक होता है ये अलग टर्म होता है, इलेक्ट्रिक क्या होता है? आपका एक अलग टर्म होता है. ओके चलिए. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यूजेस द डाटा यूजिंग इंस्ट्रक्शंस विच आर द स्टेप्स दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आई थिंक यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद इट. अ कलेक्शन ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज अ कॉमन पर्पस रेफर्ड टू द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम. मतलब क्या कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो किसी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम एक साथ कर लेते हैं. जब एक साथ रख लेते हैं, एक साथ बना लेते हैं. एक साथ बना लेने का मतलब ये होता है ना बच्चा, जैसे मान लो आपकी सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, और सबसेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमने क्या किया? उसको उठा करके एक कंपाइलेशन बना दिया, कंपाइल करके एक फाइल बना दी. उस एक फाइल को हम क्या कहेंगे बेटा? सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहेंगे. यूजिंग सॉफ्टवेयर यू कैन कंप्लीट अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज सच एज सर्चिंग इंफॉर्मेशन, हाँ, टाइपिंग अ लेटर, प्रिपेयरिंग अ बजट, क्रिएटिंग परमिशन और प्ले गेम. आप इस सब काम को किसके थ्रू करते हो? ये सब काम आप
सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो। ओके चलिए अब जो टर्म्स कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दीज टर्म्स आर कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू अ कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डाटा। बहुत सुने होंगे डाटा डाटा डाटा। चलो आज जानते हैं डाटा होता क्या है। सपोज दैट डाटा इज द कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट विच कैन इंक्लूड वर्ड्स नंबर्स इमेजेस और साउंड। कंप्यूटर्स मैनिपुलेट एंड प्रोसेस डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन। सॉरी आई डोंट नो बट व्हाई। सॉरी हाँ देखो जो आपका डाटा होता है डाटा क्या होता है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। मतलब कि आपकी दुनिया में जो भी कुछ है वो एक डाटा है, मतलब एक रॉ मटेरियल है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बात की सुनामी की, तो सुनामी के बारे में आप जो भी चीज़ें सुने हो, जो भी चीज़ जानते हो, जो भी चीज़ आपके माइंड में है या जो भी चीज़ आप इंटरनेट से कहीं से पढ़ सकते हो इज अ डाटा। ये क्या होते हैं? डाटा होते हैं। सुनामी के बारे में हमने बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, बहुत नॉलेज लिया, जो कि आपका डाटा है। बट जब आप उस डाटा को एक कंप्यूटर में प्रोवाइड कराओगे तो क्या करेगा? उसको क्लासिफाइड कर देगा कि हाँ 2006 की, 2007 में ये हुआ, 2008 में ये हुआ, ये जापान से रिलेटेड है, ये इंडिया से रिलेटेड है, ये यहाँ से, ये वहाँ से। जब आप उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दो तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो क्या होगी? वो आपकी सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी जो क्या होगा? प्रोसेस डाटा होगा। क्या? जो कंप्यूटर्स को मैनिपुलेट करेगा क्या होगा? प्रोसेस डाटा जो होगा, प्रोसेस डाटा बोले तो इन्फॉर्मेशन। ठीक। ऑन दी अदर हैंड डाटा इज कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज फैक्ट। तो जो जितने भी फैक्ट हैं जो हमें नहीं पता है वो सब क्या है? दुनिया में हर चीज क्या है? डाटा है। इंस्ट्रक्शंस, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाइड मस्ट बी डन टू द डाटा। मतलब कि आपको डाटा के ऊपर जो वर्क करना है, क्या वर्क करना है? हमने क्या कहा डाटा में? कि सबको अलग अलग कर दो। हमने क्या कहा डाटा में? कि सबको अलग अलग कर दो। तो वही क्या है? इंस्ट्रक्शन है। हमने क्या कहा डाटा से? सबको अलग अलग कर दो का मतलब क्या है? कि हमने ये कहा कि जितनी भी सुनामी की हमने डिटेल दी है उसको आप हर सुनामी के हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर दो। तो ये आपको क्या हो जाएगा? जब सुनामी को अलग अलग डिवाइड करेगा तो उसको क्या कह देंगे? उसी को कह देंगे इंस्ट्रक्शंस। हमने क्या कहा कि उसको अलग अलग आप करिए। ओके गॉट इट। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिखा है? प्रिंटर 25, मॉनिटर 60। दिस इज डाटा। ये क्या है? डाटा है, हमारे कोई मतलब का नहीं फिलहाल। ठीक है, डाटा है। ओके कैसे मिली? हमने ये दोनों डाटा किसको प्रोवाइड किया? कंप्यूटर को प्रोवाइड किया। टोटल में क्या किया कंप्यूटर ने? टोटल में कंप्यूटर ने इन दोनों को ऐड किया। इन दोनों को ऐड किया और क्या हो गया? जब इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करना क्या होगा? ये आपको एक तरह से इंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, अ कलेक्शन ऑफ सर्च लॉजिकल, अ कलेक्शन ऑफ वन नंबर अच्छा ओके, अ कलेक्शन ऑफ सर्च लॉजिकली रिलेटेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, जैसे हमने यहाँ पे प्लस के लिखा है, हम और भी चीजें कह सकते हैं। नाउ व्हाट इज प्रोसेसिंग? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। वेरी क्लियर। आप डाटा को प्रोवाइड कराओगे, डाटा से आप क्या निकालोगे? इन्फॉर्मेशन निकालोगे, उसको चेंज करोगे, तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें कुछ काम करना पड़ेगा। वही जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डाटा, आपको ये बात पता ही, मैंने पहले ही बताई। विच इज ऑर्गेनाइज, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। दिस इज हेल्पफुल फॉर द मेकिंग डिसीजन। वेरी क्लियर। हाँ, वॉट इज यूजर? यूजर इज अ पर्सन हु यूजेस द कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर। ओके, हार्डवेयर, ऑल द फिजिकल एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट अटैच टूगेदर टू मेक अ कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड हार्डवेयर। यू कैन सी और टच द हार्डवेयर। हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं ना बेटा, जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, तोड़ सकते हो। सॉन्ग सीधी एक बार उठा के पटक दो कि टूट जाएगा। जो चीजें वो उठा के पटकने वाली होती है ना बेटा, वो हार्डवेयर होती है। आपको गुस्सा लगती है, आप चीज उठा के पटकते ही होगे। कितने लोग पटकते हो जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है इस बात पे। ओके ठीक है, चलो कभी ना कभी कुछ ना कुछ पटके ही हो गए। हालांकि हमारे अंदर से गंदी आदत नहीं है, मैं नहीं करता है सब काम, लेकिन तुम लोगों ने किया, तुम लोग बच्चे हो ना अभी। चलिए सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर जो कि आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं और क्या होते हैं, कॉमन पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को कैसे यूज करना है ये बताते हैं। भगवान क्या हो गया मुझे।
तो क्या करते हैं, कैसे आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज करना है, कौन बताएगा, आपका सॉफ्टवेयर बताएगा या उसको इंस्ट्रक्शंस बताएगा। नेक्स्ट इज नेटवर्क। ओके बेटा, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर वाया कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिटिंग मीडिया। नेटवर्क अलाउ कंप्यूटर टू शेयर रिसोर्सेज सच एज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। देखो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क का मतलब ये होता है जब आपके एक दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर क्या हो, आपस में कनेक्टेड हो। कनेक्टेड हो किसके थ्रू, कनेक्टेड हो किसी कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू और ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू। मतलब ट्रांसमिशन मीडिया का क्या मतलब है कि या तो उसके पास इंटरनेट होना चाहिए, चाहे वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो, चाहे किसी भी चीज़ से कनेक्ट हो, बस कनेक्ट होना चाहिए। अगर वो आपस में कनेक्टेड है तो क्या कहलाएंगे कि दिस इज अ कॉल ऑफ नेटवर्क। नाउ व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेटवर्क। इट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स That connects millions of business firms, government agencies, educational institute and individuals. I think ये कट रहा है, अब ओके ना बेटा। चलो तो यहाँ पे क्या है, आपका जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। मतलब कई सारे नेटवर्क का क्या है, जब कई सारे नेटवर्क को जोड़ दो, बहुत ज्यादा नेटवर्क नेटवर्क हो रहा है ना, रुक जाओ एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड बच्चा, ये देखो मैं आपको इससे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि क्या है, ये आपका है नेटवर्क वन, क्या बेटा नेटवर्क वन है, इसके अंदर में कई सारे सिस्टम होंगे, ठीक। ऐसे ही आपका क्या आ गया, आपका एक आ गया नेटवर्क टू, ये क्या है आपका नेटवर्क टू है। फिर आपका क्या आ गया, एक और नेटवर्क आ गया, यहाँ पे एक और नेटवर्क आ गया, कौन सा, नेटवर्क थ्री आ गया, नेटवर्क थ्री आ गया। अब जब हम इसको क्या करें, कनेक्ट कर दें, इसको क्या करें बच्चा, इसको आपस में हम कनेक्ट कर दें कि हाँ ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। जब इस मैनर में ये कनेक्ट हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, ये फॉर्मेशन जो बना, ये बड़ा वाला जो नेटवर्क बना, ये भी तो नेटवर्क बना बेटा, ये बड़ा वाला नेटवर्क क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटरनेट। क्या कहलाएगा बेटा, इंटरनेट। ओके हाँ यार, थोड़ा माउस से लिखा ना, इसलिए राइटिंग खराब है मेरा, एक्चुअली वो डिवाइस खराब हो चुका है जिससे मैं पढ़ाता हूँ आपको टैब, तो बहुत जल्दी आ जाएगा बेटा। हाँ लेकिन क्या बताएं, लॉकडाउन के कारण वो मैंने मंगवा भी नहीं पा रहा हूँ। ओके सो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट, इंटरनेट क्लियर हो गया ना। चलिए अब यह फायदा का, हम क्यों यूज करें कंप्यूटर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर क्यों यूज करना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि सब कंप्यूटर इज पावरफुल। पावरफुल का मतलब ये नहीं कि तुम्हें उठा के कंप्यूटर देगा और तुम बेहोश हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। पावरफुल का मतलब क्या, किसी काम करने की जो एफिशिएंसी है, जो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी है, काफी ज्यादा होती है, काफी अच्छे से वर्क कर सकता है। ओके तो ये हो गया आपका पावरफुल। एंड यूजफुल डिवाइस विच वर्क वेरी फास्ट, ये क्या करता है, बहुत ही तेज वर्क काम करता है, बहुत ही तेज काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स एंड स्किल्स डेट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। अब देखो तुम्हें हम पढ़ा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, एक तरीके से नई चीज़ ही तो सीख रहे हो ना बेटा, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप नई चीज़ सीख पा रहे हो, कैसे सीख पा रहे हो, आप अपनी टेक्नोलॉजी सीख पा रहे हो, मोबाइल से या कंप्यूटर से सीख पा रहे हो। सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है इसके अंदर, इसके अंदर स्पीड बहुत सही वाली होती है ना, बहुत तेज चलता है टास्क, वेरी फास्ट, इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वेरी क्विकली। हाँ इसको जोड़ना वोड़ना होता है, सम करना है, माइनस करना है, कुछ भी करना है, ये वेरी इजीली इसको क्या कर लेता है, इस वर्क को डन कर लेता है। दूसरी सेकंड थिंग इज क्वालिटी, एक्चुअली जस्ट अ सेकंड, सेम कलर हो गया था ना मेरा, दिख नहीं रहा था। क्वालिटी, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी का मतलब ये होता है कि इसका जो वर्क होगा ना वो 100% सही होगा, हमारी तुम्हारी तरह गलती नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा, इसकी क्वालिटी होती है। A computer enables you to create high quality documents and drawings, okay? इसमें आप जो चीजें करोगे बहुत अच्छे से हो जाएंगी, भले मुझे सीधी लाइन नहीं खींचनी आती लेकिन इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सारे काम को ऑफिस में परफॉर्म कर सकते हैं। रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी होता है कि आप इसके ऊपर रिलायबल कर सकते हैं क्योंकि ये एक्यूरेट होता है, ये कभी भी एक कंप्यूटर नेवर, नेवर का मतलब समझो ना, कभी कोई गलती नहीं करता अपने द्वारा। इटसेल्फ मतलब क्या, इटसेल्फ मतलब ये कि आप अगर इसको गलत इंस्ट्रक्शन दोगे तब ये गलती करेगा, लेकिन अगर आप जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। जस्ट अ सेकंड बेटा, यार अभी पढ़ा रहे तो कॉल बैक करते हैं। सॉरी गाइज, सो क्या था, तो एक कंप्यूटर क्या, इट नेवर मेक्स अ मिस्टेक बाय इटसेल्फ, कब मिस्टेक करेगा, जब आप उसको गलत इंस्ट्रक्शन दोगे, ठीक।
एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी क्या होती है, इसकी वेरी हाई होती है। अ कंप्यूटर कैन स्टोर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा एंड मेक दिस डाटा अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग। क्या होता है, डाटा को अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग करना बनाता है, मतलब क्या, ये काफ़ी ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है, और काफ़ी ज़्यादा डाटा स्टोर करने के बाद ये क्या करता है, डाटा को स्टोर करने के बाद ये आपको वो करता है, मतलब उसको आप प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट इज नीडेड। मतलब कि आप इसमें डाटा को स्टोर कर लिया, ढेर सारा डाटा स्टोर कर लिया, जब आपको उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी हुई, जब आपको उसके ऊपर वर्क करना हुआ, तो आपने क्या कहा, तब आपने कहा कि भैया ऐसा है कि हमें डाटा वापस चाहिए, तो क्या करेगा, ये आपके डाटा को वापस प्रोवाइड करा देगा। ओके, नेक्स्ट इज वर्सटाइलिटी। ये बहुत बढ़िया शब्द होता है ना बेटा, वर्सटाइल ना, वर्सटाइल मतलब क्या, कई सारे कामों को करने में ये सक्षम होता है। इट कैन डू लॉट्स ऑफ डिफरेंट वर्क। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म रिपीटेडली जॉब एफिशिएंटली। एक जॉब को बार बार कर सकता है। इट कैन वर्क द एरियाज वेयर द ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट मैनेज। ये वहाँ काम करता है जहाँ इंसानों का दिमाग क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। जैसे 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 बताओ, जल्दी से एग्जाम्पल बताओ मुझे, नहीं समझ में आ रहा, चलो हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो जैसे मान लो कि हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो यार चांद पे चलते हैं, हमने क्या सोचा, चलो भाई चांद पे चलते हैं, लेकिन क्या होगा, जब चांद में जाएंगे तो वहाँ क्या है, वहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं, हमको ऑक्सीजन लेके जानी पड़ेगी, चलो हम ऑक्सीजन लेके गए, लेकिन हम क्या करेंगे, एक फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेके जा सकते हैं, ये तो है नहीं कि भैया चले गए बस हाँ हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो क्या होगा, इन डैट केस हमने क्या किया, एक रोबोट को यहाँ से भेज दिया। अब रोबोट को क्या है, रोबोट को सनलाइट मिलती है वहाँ पे, सनलाइट से क्या होता है, रोबोट चार्ज हो जाता है, और वहाँ से क्या करता है, वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है। तो वहाँ पे उसने क्या किया, रिसर्च किया, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। तो वहाँ पे कौन काम कर सकता है, वहाँ पे जहाँ पे एक कंप्यूटर काम कर सकता है, वहाँ पे ह्यूमन नहीं कर सकता। ऐसा है, जहाँ पे कंप्यूटर वर्क करता है, जहाँ पे ह्यूमन वर्क नहीं कर सकता, वहाँ पे कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक, ओके, नाउ अब ठीक है भैया, वो चांद पे चले गए, सब हो गया, अब हम क्या करें ये बताओ ना, हम क्या कर सकते हैं इन जनरल वर्ल्ड, हमारे लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा होगा समझ में, तो बेटा बिल्कुल एकदम आराम से कमेंट करके बताइए कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, ताकि हम आपको उस हिसाब से पढ़ा सकें। ठीक है, सो आपको बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी है, कॉपी पेन लेके बैठना है, जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा उसको आपको नोट डाउन करना है। जब मैं आपको ट्यूसडे को कौन सी तारीख होगी बच्चा, ट्यूसडे को होगी आपकी, आज संडे है जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेक। सो ट्यूसडे को है 14, सो आई विल विद यू इन 14 को मैं आपको मिलूंगा 1 से 2:30 बजे तक, मतलब 1 PM to 2:30 PM। सो एट दैट टाइम आप में से सब चीज़ों को आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो, इसमें आंसर्स में क्या लिखना है ये सब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, बट इस समय आपको केवल कंसंट्रेट होके इसको समझना है, क्योंकि आपकी बुक ही खुली हुई है, कुछ और नहीं खुला हुआ है, आपकी बुक ही है, आपको परेशान नहीं होना है, कल आपको चीज़ें समझनी है, आपको एक चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, आपको चैप्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप क्या कर सको, इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सको। समझ में आ रही कि नहीं बातें, ठीक है, परेशान नहीं होना है, हमारे पास बहुत टाइम है बेटा, अभी तो सिलेबस स्टार्ट हुआ है, हमारे पास बहुत टाइम है, हम एकदम धीरे धीरे अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, ताकि आपके कोई भी पॉइंट मिस ना हो, और आपके पास क्या हो, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको कैसे वर्क करना है कंप्यूटर पे, आप कैसे जानते हैं। मोर देन दिस बुक, बियॉन्ड दिस बुक आई विल टेल यू, मोर देन दिस बुक डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, कम टू द पॉइंट, What you can do with a computer? हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं हम, क्या क्या कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम नंबर्स के साथ वर्क कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, हम चैटिंग कर सकते हैं, कितने लोग चैटिंग करते हो कमेंट करके बताओ, और क्या कर सकते हैं, हम डिसीजन बिल्डिंग कर सकते हैं, क्रॉस एंड अदर थिंग्स कर सकते हैं, हम गेम खेल सकते हैं, तो अगर आप लोग गेम खेलते हैं, कौन कौन से गेम खेलते हैं जल्दी से कमेंट करिएगा। हाँ, आप कमेंट करने के लिए वीडियो पॉज कर दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को आराम से पॉज करो, नीचे जाकर कमेंट करो, फिर से वापस आ जाओ। ठीक, फिर क्या है, हम रिसर्च कर सकते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, जब हम पढ़ा भी सकते हैं तो हम पढ़ भी सकते हैं, हाँ, और क्या कर सकते हैं, हम ऑनलाइन चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे एक ऑनलाइन साइट क्या होती है बेटा, एक तो मुझे पता है जो मैं यूज करता हूँ बहुत ज़्यादा, कौन सी, अमेजोन, अमेजोन में क्या होता है, A to Z ना, अमेजॉन हो गई। इसके अलावा आप कौन कौन से साइट्स यूज करते हैं, अमेजॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, इसके अलावा आप लोग कौन कौन से साइट्स यूज करते हैं, ठीक है, यह मुझे आप बताएंगे, कहाँ पे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। ओके, गॉट इट,
चलिए जल्दी से कमेंट करिएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। प्लेइंग म्यूजिक एंड वीडियो, आप वीडियो म्यूजिक प्ले कर सकते हो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब ये होता है जब एक से ज्यादा लोग एक साथ वीडियो शेयर करते हैं। आप ऑनलाइन वीडियो क्लासेस करते हो, सॉरी आप ऑनलाइन वीडियो कॉल करते हो ना, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल होती है, तो जो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल होती है तो ये जो व्हाट्सएप वाली कॉल होती है भी क्या होती है, एक तरह से आपकी वीडियो कॉल होती है। इसमें क्या हो सकता है, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, एक आता है गूगल मीट, ठीक है, क्या आता है गूगल गूगल मीट। तो गूगल मीट क्या करता है, गूगल मीट के थ्रू आप कई सारे लोग एक साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो। जूम के थ्रू आप क्या हो सकता है, कई सारे लोग मीटिंग ले सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन द सेंस दैट कि आप मीटिंग तक ऑनलाइन आप कंडक्ट करवा सकते हो। नाउ द सेकेंड पॉइंट, हाउ अ कंप्यूटर वर्क। ओके, सो जैसे कि अभी तक आपने ये जाना कि हाँ कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद प्रोसेस करता है, उसके बाद क्या देता है, हमें आउटपुट देता है। सेम चीज यहाँ पर भी है, हाँ मेरा ये भी यहाँ पर भी यही चीज है। देखो अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, एक कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है और एक्यूरेटली काम करता है। अ कंप्यूटर डज फोर मेन जॉब, केवल चार मेन काम है उसके, इनपुट, इनपुट मतलब आपके डाटा को रीड करना, उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस इट, एंड आउटपुट को क्या करना, इंफॉर्मेशन में चेंज करना और उसको स्टोर कर लेना, ठीक है। जो आपका आउटपुट आएगा क्या होगा, वो इज द इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा, इन्फॉर्मेशन आने के बाद क्या होगा, इसको स्टोर कर लेना, यही एक काम होता है कंप्यूटर्स का, ठीक है। हमने क्या इनपुट किया बेटा, यहाँ पे हमने इनपुट किया 5 एंड प्लस एंड 3, हमने तीन सिंबल ऐड किए, 5 प्लस एंड 3, हमने तीन सिंबल ऐड किए। फिर हमने क्या किया, उसको बताया कि भैया इसको जोड़ना है, उसने क्या किया, इसको प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग में क्या किया, उसने इसको जोड़ा और क्या किया, उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज किया। ये डाटा था, ये मेरा क्या था, ये मेरा डाटा था, क्या था बेटा, डाटा। डाटा क्या चेंज हो गया, डाटा चेंज हो गया इन फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन में चेंज हो गया, और ये क्या हो गया, 8 आउटपुट आ गया। और इसने क्या किया, 8 को स्टोर कर लिया, स्टोर कहाँ करेगा बेटा, डिस्क में स्टोर करेगा। आप इनपुट कहाँ से दोगे, आप इनपुट दोगे कीबोर्ड के थ्रू, ओके। प्रोसेस कौन करेगा, प्रोसेस आपका करेगा, ये प्रोसेसर है। और डिस्प्ले कहाँ आएगा, आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले आएगा। स्टोर कहाँ हो जाएगा, आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाएगा। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू। कौन सा प्रोसेसर है बेटा ये, जल्दी से बताओ कौन सा प्रोसेसर है, इंटेल कोर i7 प्रोसेसर है, ठीक है, ये इंटेल कोर i7 प्रोसेसर है। तो इंटेल के अलावा भी और से कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं, जैसे इंटेल है, AMD है, ये मैंने तो आपको बताई। अब आप बताइए कमेंट करके कि आपको कितनी कंपनियों के बारे में नॉलेज है, देखते हैं किसमें कितना है दम। ओके, आगे बढ़ें, चलिए नाउ अगेन इनपुट। इनपुट क्या होता है, एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन इंटर इनटू अ कंप्यूटर नोन एज इनपुट। जो भी हम उसमें डाटा डालेंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे वो क्या होंगे, आपको इनपुट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बच्चा, इनपुट कहलाएगा। एंड इनपुट डिवाइस हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर, ये क्या करता है, आपको कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है किसे, कंप्यूटर के साथ। ओके, यू कैन यूज इनपुट डिवाइसेस टू इंटर इंफॉर्मेशन एंड गिव कमांड्स, ठीक है, आपके साथ इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, कमांड दे सकते हो। आप कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर के, हाँ ये सब इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। अब प्रोसेस क्या होता है, देखिए द प्रोसेसर क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है, एक प्रोसेसर होता है क्या है, लेट मी टेल यू इन डिटेल। देखो जो आपका कंप्यूटर होता है इसके अंदर कुछ चीजें बिल्डिंग होती हैं, इसके अंदर एक मदरबोर्ड लगी होती है, उस मदरबोर्ड में एक डिवाइस होता है जो कि आपकी इस प्रोसेस का वर्क परफॉर्म करता है, जिस प्रोसेस का वर्क परफॉर्म करता है उसको प्रोसेसर कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, प्रोसेसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो आल्सो कॉल्ड CPU, इसी को हम क्या कह सकते हैं, CPU कह सकते हैं। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, व्हाट बेटा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेन चिप इन द कंप्यूटर। चिप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिप, चिप मतलब चिप्स जो हम लोग खाते हैं, लेज, हाँ नहीं बच्चा लेज नहीं, इसका मतलब क्या है चिप का, चिप का मतलब होता है आपका सेमी कंडक्टर डिवाइस, क्या होता है बेटा, सेमी कंडक्टर डिवाइस। SDC लिखते नहीं है हम, SDC ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि हमें इतना बड़ा लिखना ना पड़े, इसलिए हम SDC लिख रहे हैं। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं बेटा,
सेमी कंडक्टर डिवाइसेस वो होते हैं जो मैंने आपको बताया पहले। पहले क्या बताया सर आपने? मैंने ये बताया बेटा कि आप जब किसी लैपटॉप को या डेस्कटॉप को या किसी टीवी को या किसी मोबाइल को ओपन करोगे, कभी तुमने खुला हुआ मोबाइल देखा होगा, तो उसका क्या होता है, ये ग्रीन कलर का, किस कलर का बेटा? ये ग्रीन कलर का होता है, ऐसे डार्क ग्रीन कलर का, ऐसे 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 चकोर निकलता है, हमेशा निकलता है। मैं आपको इसके ऊपर ही ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ऐसे एक चकोर सा निकलेगा ग्रीन कलर का, जिसमें अलग अलग ढेर सारे डॉट बने रहते हैं, अलग अलग ढेर सारे डॉट रहते हैं, किस कलर के? जनरली ब्लैक होते हैं, ऐसे ऐसे लंबे 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 लगे रहते हैं। उसी में आपने देखा होगा कि चिप कुछ ऐसी होती है, ऐसे इधर इधर निकला रहता है, इसमें ऐसे करके इधर से भी निकला रहता है, हाँ यहाँ पे एक तरफ कट बना होगा, तो इधर बना होगा तो इधर बना रहता है, ऐसे कट बना रहता है। और क्या होती है, ये आपके उसी ग्रीन ग्रीन वाले में चिपकी रहती है कस के, हाँ चिपका रहता है, तो लगा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, इसी को चिप बोला जाता है, चिप, क्या बोलते हैं बेटा, चिप। ओके, तो चिप में क्या होता है, चिप आपका जो होता है एक तरह का सर्किट होता है। चिप क्या होता है बेटा आपका? CR सर्किट, CRICUIT सर्किट होता है। क्या होता है बेटा? सर्किट होता है जो कि फैब्रिकेट किया जाता है छोटे से चिप में, बड़ा सर्किट छोटे से चिप में। ओके, समझ में आ रहा है ना बेटा? चिप, अगर कन्फ्यूजन चिप में तो बताना कमेंट करके, ठीक। वैसे आई डोंट थिंक सो कि आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चिप क्या होती है ना आपकी, चिप ऐसी होती है चकोर सी, हाँ चकोर, जरूरी नहीं कि फोर चकोर ही हो, किसी भी शेप में हो सकती, जरूरी नहीं कि स्क्वायर में ही हो, इट कैन बी इन एनी शेप, इट मे बी अकॉर्डिंग योर कंप्यूटर। तो उसको क्या होता है, उस शेप में बनाया जाता है, जिसमें अलग अलग डिवाइसेस में चीजें उसमें फैब्रिकेट की जाती है, फैब्रिकेट मतलब बनाया जाता है उसमें, और क्या होता है उसके को, उसी को चिप बोलते हैं। तो जो सबसे मेन चिप होती है उसको क्या कहते हैं, CPU कहते हैं। CPU के अलावा क्या क्या चिप होती है, पावर चिप होती है, हाँ आपकी नेटवर्क चिप होती है, आइसोलेशन चिप होती है, सब चीज़ें होती हैं उसमें। आइसोलेशन चिप, देखो क्या मुँह से निकल रहा है मेरे, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, सॉरी बेटा। मैंने कहा कि इसमें कई सारी चिप होती है जो आइसोलेट होती है, मतलब क्या अलग अलग होती हैं, आइसोलेशन नहीं होती, आइसोलेट होती है, ठीक। आइसोलेट चिप होती है, क्या होती है, सब अलग अलग फैब्रिकेट की जाती हैं, एक दूसरे से टच नहीं की जाती हैं, अगर एक दूसरे से टच करेंगे तो क्या होगा बेटा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए आइसोलेट होती हैं, अलग अलग दूर दूर होती हैं, ठीक। तो मैं क्या बता रहा था, प्रोसेसर बता रहा था, मैंने प्रोसेसर को बता दिया, मैंने चिप बता दिया आपको। सो द मेन चिप इन द कंप्यूटर इज यूज्ड इज कॉल्ड प्रोसेसर डाटा, जो डाटा को यू प्रोसेस करने के लिए मेन चिप यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। देखो ये जो है ना, ये ऐसे नहीं होता, इसमें क्या होता है, नीचे ढेर सारी चिप निकली होती है, नीचे ऐसे ढेर सारे दांत होते हैं, इसको दांत कहते हैं, टीथ, हाँ। अगर मैं इसको उठा के तुम्हारे गाल में चिपका दूँ ना बेटा, तो आप गाल में निशान बन जाएंगे, गड्ढे हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पीछे की ओर इसके टीथ हैं, तुमको काट लेगी ये, समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, चलो जब हम सामने आएंगे आपके क्लास लेंगे तो आपको क्लास में लाके हम दिखा देंगे इसकी प्रोसेसर कैसा दिखता है, ठीक। चलिए, प्रोसेसिंग मीन्स ट्रीटिंग द डाटा अकॉर्डिंगली टू द इंस्ट्रक्शन एंड चेंजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तीन चार बार तो बता ही चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ भैया, मतलब क्या होता है प्रोसेसिंग का, मतलब होता है कि आपने जो डाटा को प्रोवाइड किया है उसको क्या करना, उसको इस तरीके से चेंज करना कि वो क्या फॉर्म कर ले, वो एक इन्फॉर्मेशन को फॉर्म कर ले। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्टेड टू एड टू नंबर 4 and 7, इंटर दिस नंबर गिवन यू नो, यार मैंने बता दिया सब चीज़ें, बार बार घुमा फिरा के उतनी चीज़ें। चलिए आउटपुट में आते हैं, आउटपुट क्या है, अ कंप्यूटर इज फेड अप फेड विथ अ लॉट ऑफ डाटा टू बी प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ठीक। The data that has been processed into a useful information called output. तो जो data process हो गया उसको हम क्या कहते हैं, output कहते हैं। It is the result we get through the output device. हमें output device के through result मिलता है। Input and output device आप लोग को clear है ना? I think ये आपको clear होगा। This device display the information on the screen, create printed copies or generate sound. The example of output devices are monitor, printer and speakers. चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट वो चीज़ें होती हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस और हो जाती है, ऑर्गेनाइज होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आता है किसके थ्रू, मॉनिटर के थ्रू, प्रिंट किया जाता है प्रिंटर के थ्रू, और स्पीकर के थ्रू आपका आउटपुट आता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है,
मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही, तो क्या है ये इनपुट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा इस समय, ये एक इनपुट हो रहा है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है ठीक है। इनपुट होने के बाद मेरा जो लैपटॉप है ये इसको कुछ प्रोसेस करेगा, हाँ मैं इस वीडियो को अभी यूट्यूब में अपलोड करूंगा तो भी क्या होगा, एक कुछ प्रोसेस होगा। उसके प्रोसेस होने के बाद जब आप इस वीडियो को प्ले कर रहे हो, इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, एट दिस टाइम जब आप वीडियो को देख रहे हो, तो क्या हो रहा है ये आप क्या कर रहे हो, इसका आउटपुट गेन कर रहे हो। आउटपुट कहाँ से गेन कर रहे हो, आप आउटपुट गेन कर रहे हो आपके मॉनिटर से। मेरी फोटो कहाँ आ रही है बेटा, मेरे लेक्चर्स कहाँ चल रहे हैं, मेरा मॉनिटर कर्सर कहाँ दिख रहा है तुमको, आपके मॉनिटर भी दिख रहा है, और कहाँ से स्पीकर से आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, तो ये क्या है, ये आपका आउटपुट है। समझ में आया, क्लियर? अब इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड इज स्टोर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टोर, जब मैं आपसे स्टोर बोलता हूँ तो आपके माइंड में दुकान नहीं आती, भाई मेरे मन में तो आती है। तो स्टोर क्या होता है, द कंप्यूटर स्टोर्स द डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन द स्टोरेज डिवाइस फॉर द फ्यूचर यूज। क्या कहता है, स्टोरेज डिवाइस में इसको, इस डाटा को स्टोर कर लेता है फर्दर यूज के लिए। जैसे क्या करो, आप इस वीडियो लेक्चर को डाउनलोड कर लो, अगर आप डाउनलोड कर लिया तो क्या होगा, ये फर्दर यूज के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हो, जब आपको मन करेगा तब आप इसको देख सकते हो। द कंप्यूटर यूजेस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस टू परफॉर्म टास्क। ये क्या होता है कि आपका जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें जो टास्क को परफॉर्म करना होता है उसके लिए क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस का यूज करता है। इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस टू परफॉर्म टास्क, इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर की जाती है, स्टोरेज डिवाइस में यूज की जाती है। स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं जैसे कि आपके, स्टोरेज डिवाइस होते हैं क्या, स्टोरेज डिवाइस होते हैं जैसे आपके, जल्दी से बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, बताना पड़ेगा मुझे ही, अरे बच्चा, जैसे पेन ड्राइव, और क्या होता है बेटा, मेमोरी कार्ड, और क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या क्या होते हैं, ठीक है, देखते हैं आप लोगों को कितने पता है, बाकी तो हम तो हैं ही बताने के लिए, तुम लोग भी थोड़ा एफर्ट करो। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इनपुट डिवाइस, ओ वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ना। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं आपकी, एनी हार्डवेयर कंपोनेंट डेट अलाउ अस टू इंटर द डाटा इंस्ट्रक्शन कमांड इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड, आई थिंक यू गाइज आर फेमिलियर विद कीबोर्ड, ओके, बट ऑल दो इट इज ऑन योर कोर्स सो आई विल एक्सप्लेन यू इट वेरी क्लियरली, जस्ट अ मिनट, व्हाट इज हैपनिंग यार। ओके कीबोर्ड, सो व्हाट इज कीबोर्ड, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस कंटेन्स कीज, दीज कार्ड कीज, ओके, ये सब क्या है, दीज आर कीज, ओके, यू प्रेस इट्स कीज टू टाइप इंफॉर्मेशन एंड इधर इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो। ठीक है, जो आप इसमें इंफॉर्मेशन दोगे, जो भी आप क्या दोगे, इसको इन्फो दोगे या जो भी आप दोगे, इंसर्ट कराओगे, तो क्या होगा, उसको कंप्यूटर को फॉलो करेगा। जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं इसमें ट्रिपली क्या होती है, 110 105 कीज के बीच में होती है, 101 एंड 105 कीज होती हैं। मे बी पॉसिबल देयर मे बी मोर कीज और लेस की डिपेंडिंग अपॉन योर डिजाइन ऑफ योर व्हाट, डिजाइन ऑफ योर कीबोर्ड। ओके, नेक्स्ट इज माउस, व्हाट इज माउस, अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट फिट्स comfortably under the palm of your hand. Seriously? कई बार हाँ कई बार ना, ठीक। अरे यार पता है, कई बार पहले पता है जो सिस्टम आते थे ना, जो पहले के माउस आते शुरुआत वाले, जब शुरुआत वाले आते उसमें ना पता है टास्क बॉल लगी होती, क्या लगी होती बेटा, टास्क बॉल, हाँ बेटा सच में बॉल लगी रहती थी उसमें, पता है जो आप लोग छोटी छोटी गेंद नहीं आती, छोटी वाली गेंद जंपिंग बॉल जिसको आप खेलते हो, उसी तरह की बॉल लगी होती थी। तो जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पास कुछ ऐसे पड़े हुए थे माउसेस जो बेकार हो गए थे, क्योंकि आउटडेटेड हो गए, ऐसे में तो ये वाले चलते हैं ना बेटा, ये ऑप्टिकल माउस होते हैं जिसमें ये देखो ये लाइट जलती है ना, ये ऑप्टिकल माउस होते हैं, आजकल इसी का यूज होता है, तो वो वाले माउस क्या होते हैं, आउटडेटेड हो गए थे, पड़े हुए थे खराब। तो मैंने उसको खोला, मैंने खोल के कहा लाओ यार देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, तो मेरे को उसमें बॉल मिली, मैंने खोल के खेलना शुरू कर दिया। हालांकि अगर आपको भी कोई खराब माउस मिलता है तो आप उसको खोल के कभी देखना कि अंदर क्या इसके अंदर फैब्रिकेशन होता है। खराब माउस मेंशन, जो माउस क्या हो यूजलेस हो उसको खोलना, ये नहीं कि हमने लैपटॉप का माउस खोल दिए, बहुत ही इजी होता है माउस को खोलना, केवल एक बटन होती है इसमें, ये केवल ये एक इसमें पिंच होता है, तो खोल दोगे तो पूरा अलग हो जाएगा, जिसको आप देख सकते हो अंदर से कैसा होता है, हालांकि देखने के बाद बस इतना ही होता है। ओके चलो
क्या होता है आपके हथेली में अच्छे से आ जाता है। यू कैन यूज द माउस टू सिलेक्ट और मूव आइटम्स ऑन द स्क्रीन, ऑब्वियसली जो मैं कर रहा हूँ इतनी देर से, एज वेल एज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो। आप इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ऐसे क्या मैंने यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ भैया, क्या करो आप अपना कलर चेंज कर लो, क्या कर लो ग्रीन कर लो, ये भी इंस्ट्रक्शन है ठीक है। द टॉप ऑफ माउस हैज टू बटन, इसमें क्या होती है मेरा टू बटन होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्चुअली में होती थ्री बटन है लेकिन हो सकता है इसमें आगे एक्सप्लेन किया होगा। एंड हैव अ स्क्रॉल व्हील, इसको क्या कहते हैं बेटा, स्क्रॉल व्हील कहते हैं, और एक ये बटन होगी एक ये बटन होगी, तो दो बटन और एक स्क्रॉल व्हील होता है। द बटन ऑफ द माउस इज फ्लैट एंड कंटेन्स मैकेनिज्म दैट डिफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द माउस। तो क्या होता है, इसको आप क्लिक करते हैं, अगर राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक के लिए होती है बटन, और स्क्रॉल क्या होता है, स्क्रॉल से ऊपर नीचे करने के लिए, मैं स्क्रॉल का यूज कर रहा हूँ, तो ऐसे ऊपर नीचे आप कर सकते हो, और स्क्रॉल से आप लॉक भी कर सकते हो। ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ ना बेटा, ये हम स्क्रॉल से बना रहे हैं, स्क्रॉल लॉक से। जब स्क्रॉल बटन को नीचे प्रेस करोगे तो उसको भी आप ऐसे क्लिक की तरह काम कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मल क्लिक करते हो उस तरीके से। ओके, नाउ योर टाइम इज गेटिंग ओवर आई थिंक, एंड आई विल वाइंड अप विद दिस माउस। फ्रॉम टूडे वी विल स्टडी अबाउट द स्कैनर एंड बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, ग्राफिक्स, डिजिटल कैमरा, मैग्नेटिक लिंक, एंड देन माइक्रोफोन, देन आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लैश मेमोरी, प्रोसेसर, एंड देन सेल्फ वाइब्रेशन। ओके, सो आई एम जस्ट एंडिंग दिस क्लास बिकॉज इट्स अबाउट 40 मिनट्स, मोर देन 45 मिनट्स, सो आई थिंक आई हैव क्लियर वेरी मच टू यू। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एट दिस टाइम यू शुड आस्क मी। ओके, so it was your chapter of computer fundamental. okay, computer fundamental. so thanks for watching this video and please leave your comment, कैसे लग रहा है आपको, क्योंकि आपका जो comment होता है ये मेरे लिए motivation होता है, मुझे पता चलता है कि मुझे कैसी videos आपको देनी है। आपको rating तो करनी नहीं है, लेकिन हालांकि आप अगर चाहो तो like जरूर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हो, और review जरूर डाल देना बेटा कि आपको क्या कमी लगी। अगर आपको कोई कमी लगती है और आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं उसको दूर कैसे करूँगा, है ना बेटा, तो आप उसको देख लीजिएगा। और कोई जो टॉपिक में आपको डाउट है तो मैं आपके साथ लाइव आपके साथ जुड़ूंगा ट्यूजडे को 1 PM टू 2:30 PM इन योर व्हाट्सएप। सो जितनी भी कन्फ्यूजन होगी आप उसे मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं कल सेकंड लेक्चर भी आगे का रिकॉर्ड कर लूंगा, जिसमें मैं स्कैनर वगैरह के बारे में बता दूंगा, और आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो, आप देख सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ। ओके, बाय।